वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है।